हेलो दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपका फैक्टिमेनिया में। दोस्तों, आपने डम्बो कार्टून सीरीज में एक सीन देखा होगा जहां डम्बो एलिफेंट एक चूहे से डर जाता है। तो क्या सच में हाथी चूहे से डरते हैं? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में टाइटल्ड आर एलिफेंट्स अफ्रेड ऑफ माइस। न केवल कार्टून्स में बल्कि लोगों ने सच में हाथी को चूहे से डर के भागते हुए देखा है। इसी थ्योरी के बारे में जानने के लिए ट्रॉय मैक्सलर नाम के एक सर्कस ट्रेनर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें वो अपने हाथी के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में एक चूहा रख दिया, लेकिन हाथी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और इस एक्सपेरिमेंट का क्लियर रिजल्ट ये था कि हाथी चूहे से नहीं डरते हैं। तो फिर हाथी चूहे को देखकर क्यों भाग जाते थे? चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पास उड़ते हुए कोई इंसेक्ट आया होगा और आप उसे डरकर दूर भाग गए होंगे, और बाद में आपको मालूम पड़ गया होगा कि वो तो हार्मफुल इंसेक्ट नहीं है। ऐसे ही कुछ हाथियों के साथ भी होता है। उनकी आईसाइट उतनी अच्छी नहीं होती है और इसी वजह से उन्हें चूहे ठीक से नजर नहीं आते, और जब चूहे उछल कूद करते हैं तब हाथी को ऐसा लगता है कि ये कोई हार्मफुल चीज है, जिसकी वजह से वो डर कर भाग जाते हैं। तो फिर ये गलत फहमी कहां से आई? असल में कार्टून्स में दिखाने से पहले 77 एडी के एक ग्रीक फेबल में भी इसी के बारे में बताया गया है, और 1600 में एलन मॉलिन नाम के एक आयरिश फिजिशियन ने एक थियोरी दी, जिसमें उसने बताया कि हाथी के गले में एपिग्लॉटिस नहीं होता है और चूहा अगर उसके मुंह के अंदर चला जाता है तो उसके गले को ब्लॉक कर सकता है, और इसी वजह से ये गलत फहमी लोगों में फैल गई। तो फिर हाथी डरते किस चीज से है? बात अजीब है, लेकिन हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। लेकिन मधुमक्खी क्या उखाड़ लेगी हाथी का? हाथी की स्किन तो बहुत सख्त होती है ना। फिर भी अगर मधुमक्खी ने झुंड में आकर हाथी के डेलिकेट पार्ट्स जैसे कि सूंड या फिर आंखों पर अटैक किया तो उससे हाथी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और इसी वजह से हाथी मधुमक्खी से डरते हैं, ना कि चूहे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।